मेरी मैडम फार्म हाउस टू बुक किया है। धूम मचा ले और आ रे हेलो गाइस, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, वेलकम बैक टू माय चैनल कफिल के टीएस। दोस्तों क्या हाल है, कैसे हो सब? ठीक ठाक, बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो फाइनली दोस्तों आज मेरी सुबह हो चुकी है, अभी का टाइम बच रहा 9:30। तो मैं चल रहा हूँ दोस्तों सामान लेने। मैडम ने बुक किया है फार्म हाउस, तो आज मुझे जाना है फार्म हाउस पे, और फार्म हाउस की पार्टी जो दी है मैडम ही मेरी दी है, तो मुझे आज सबसे पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। आज का ब्लॉग जो है दोस्तों बहुत हार्ड होने वाला है, बहुत तगड़ा ब्लॉग होने वाला है। काले पीले हरे गुलाबी जितने भी मेरे दोस्त यार जितने भी हैं, आज ये फनी ब्लॉग होने वाला है दोस्तों। आज ब्लॉग में बहुत मजा है, बहुत। तो मैं चल रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले सामान लेने, वहाँ से सामान ला कर मैडम को दे दूंगा मैं। फिर दोस्तों निकलेंगे दोस्तों 1 बजे या 2 बजे, 1 बजे या 1:30 बजे यहाँ से रूम से निकलेंगे, फिर जाएंगे इस तरह में। मैडम की जो मेरी सहेली है, फ्रेंड है, रिश्तेदार है, सारे महिलाएं जो दोस्तों आज वहां पे इकट्ठा होगी, आज वहां पे सबका मिलन होगा दोस्तों। तो आज बड़ा इंटरेस्ट ब्लॉक होगा, जितने भी मेरे भी ड्राइवर वहां पे मौजूद होंगे, काले पीले सब लोग वहां पे मौजूद होंगे दोस्तों। सब लोग आएंगे अपनी अपनी मैडम को लेकर, तो इंशाल्लाह आज सब लोग से इंशाल्लाह जरूर मिलाऊंगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल पर पहली बार, तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अभी चल रहा हूँ उस टाइम सुवेदी में, वहाँ पे कुछ सामान लेना है, आप लोग को दिखाऊंगा। और पिछले वाली वीडियो में देखा होगा कि मैं रोज डेली कंटिन्यू मॉल जा रहा हूँ, कहीं आज इस मॉल में, कहीं उस मॉल में। तो फाइनली वो दिन आ चुका है आज, चलिए बने रहे दोस्तों। चल रहा हूँ सुवेदी में, सुवेदी से सामान लेकर फिर मिलते हैं आप लोग को। हम घर पे आ चुके हैं जहाँ पे मुझे लेना है सामान, तो हम यहाँ पे गाड़ी को अपनी खड़ी कर देते हैं और चल देते हैं दोस्तों बाहर मारने के लिए बेल। तो यहाँ पे लगी हुई है बेल, मैं मार गया हूँ बेल। यहाँ अभी ये गेट है, यहाँ पे कोई आएगा अभी से बात करके फिर अपना सामान जो है ले लेते हैं। तो अपना जो सामान मैं लेने आया था किसी के घर पे, यहाँ पे ये सामान घर में बनाकर बेचती है, तो ये इस तरह के लिए है। 3 पीस है दोस्तों 300 रियाल का, तो पता नहीं क्या है। एक में तो चॉकलेट है, ये तो चॉकलेट भी चले, और अगल बगल पर क्या है बुझे मला। सुबह का टाइम है, अभी 10 बज रहा है, इसकी वजह से रोड पे अभी कोई आपको एक बंदा नहीं दिखेगा। यही शाम होता तो यहाँ पे ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही मिल जाती रोड पे, आदमी चील पौ गाड़ी घोड़ा चलती हुई नजर आती, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो सारा आदमी यहाँ पे सो रहा है, बाकी जो है वो ड्यूटी चला गया है। और यहाँ के आप घर देख सकते हैं दोस्तों, घर एक जैसे होते हैं यहाँ पे और एक जैसा पेंट होता है। ये पता नहीं सऊदी अरब में क्या मसला है, ये सऊदी अरब के दोस्तों खास बात है कि यहाँ पे घर जो है एक जैसे होते हैं, और पेंट जो घर का जो कलर होता है सेम कलर का होता है, इसकी वजह से घर पहचानना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये थोड़ा सा चलता फिरता रोड है, गाड़ी घोड़ा दिख रही बड़ा भैया तेरी। आप देख सकते हैं दोस्तों ये मलिक फहद अली रोड है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए कैसा झंडा, कितना अच्छा सऊदी अरब का ये दोस्तों फ्लैग है, सऊदी फोक फोक फोक, ये सऊदी अरब का दोस्तों ये गाना है सऊदी फोक फोक। मेरी मैडम फार्म हाउस टू बुक किया है यमल वतनी की खुशी में दोस्तों, पे जब दोस्तों यमल वतनी होती है तो यहाँ पे पूरी पब्लिक जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, तो इसकी खुशी में दोस्तों मेरी मैडम ने फार्म हाउस बुक किया। मैडम के रिश्तेदार है, जितने भी सहेली है, दोस्त यार जो भी है, सारे सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, तो बाकी बातचीत करेंगे, गाना बजेगा दोस्तों, वहीं पे डांस करेंगे। जैसे 15 अगस्त होता अपने इंडिया में, वैसे ही हिसाब से यहाँ पे यमल योतनी मनाया जाता है। तो आप लोग बने रहिए, मैं चल रहा हूँ अभी रूम पे, और अभी नाश्ता भी नहीं किया हूँ दोस्तों, उसके बाद में 9:30 बजे मुझे यहाँ पे आना था, 8 बजे जगह नहाया तुरंत, नहा वहा कर फिर मैडम तुरंत फोन करके जाके बकालत से थोड़ा सा मेरे लिए सामान ला, तो मैडम के लिए सामान लेने चला गया। उसके बाद में देखा तो टाइम हो गया, नाश्ता का टाइम नहीं मिला, फिर मैं चला आया सामान लेने। सामान लेके अब चला दोस्तों मैडम को दूंगा, मैडम को देने के बाद में फिर करते हैं दोस्तों नाश्ता, नाश्ता करने के बाद में फिर निकलते हैं यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ। तो आप लोग बने रहिए इंशाल्लाह, सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। भेजो सामान दे कर आ चुका हूँ होटल पर, चलिए नाश्ता कर लेते हैं दोस्तों। नाश्ता हो चुका है, मैं चल रहा हूँ दोस्तों अब रूम पे, और मिलते हैं दोस्तों अब आप लोग को कहाँ, गाड़ी में सामान रखकर, यानी इस तरह के निकलने के लिए गाड़ी में सामान रखेंगे, फिर मिलेंगे आप लोग को, फिर दिखाएंगे कि आज मेरी मैडम दोस्तों सामान कितना लेकर जा रही है फार्म हाउस पर। चलिए दोस्तों गाड़ी में अपना सामान रख दिया हूँ, अब देख सकते हैं आगे से पीछे तक पूरी गाड़ी फुल हो चुकी है,
इस तरह निकलने के लिए हम रेडी हैं, बस मामा का फोन आने के लिए इंतज़ार है। तो चलिए बंद करते हैं अभी और बैठते हैं अभी रूम में, जब भी मामा फ़ोन कर देंगी फिर लेकर निकल चलते हैं इस तरह में। तो पहले दोस्तों इस तरह आ चुके हैं, मैडम को भी छोड़ दिया हूँ और सारा सामान जो था वो उतार दिया हूँ। मैं चल रहा हूँ बकाला पे, मुझे लाना है एक कार्टून पानी और जूस। दोस्तों बड़ा थकान हो गया आज, और अभी का टाइम बज रहा है दोस्तों 2:01 बजे। रूम से निकला था, काफ़ी दूर है, 30 किलोमीटर दूर है इस तरह ये, तो 1 बजे निकला ट्रैफिक मिलती हुई, अभी 2 बजे पहुँचा फिर सामान वामान उतार के। आप देखा ही होगा कि इस तरह कितना गजब का इस तरह है दोस्तों। अभी तो दिन है, जब रात होगी तो यहाँ पर लाइट जब जलेगी तो क्या नज़ारा होगा, क्या मजा आएगी आज। तो इंशाल्लाह बने रहिए, मैं चल रहा हूँ बकाला पे, लेता हूँ पानी। दोस्तों बकाला से अपना सामान ले लिया हूँ और आप जा सकते हैं इधर, जूस है और पीछे मेरे दोस्तों एक कार्टून पानी है। पानी एक्चुअली मैं वहाँ पे आएगा की तरफ होटल की तरफ से दोस्तों वहाँ पे पानी है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ आदमी आए हैं काम करने वाले, तो लाइट वाइट लगा रहे तो उसके लिए पानी की जरूरत पड़ रही, तो वहाँ पे पानी नहीं है, तो हम इसलिए आए हैं पानी लेने। और आज आप लोग को इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि हम यहाँ पे पहाड़ी इलाके में आया हूँ और एकदम पहाड़ के किनारे मेरा इस तरह है। तो आज तो इंशाल्लाह जरा हम अपने काम से फ्री हो जाएंगे, तो कितना बड़ा पहाड़ है, सब खाई गहरी गहरी खाई है दोस्तों। तो इंशाल्लाह फ्री होकर फिर आप लोग को अच्छे से आज रिव्यू कराऊँ। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मेरे पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहा है दोस्तों, और पहाड़ के जस्ट सामने मेरा इस तरह है। यहीं पे दोस्तों हमारी रात होगी, खाई दोस्तों काफी गहरी खाई है, दूर दूर तक की दोस्तों आपको पहाड़ नजर आएगा। वाव सर्रा, ये आप खाई देखिए दोस्तों कितनी गहरी गहरी खाई, ये प्यारी से दोस्तों मस्जिद है। देखो पत्थर यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर के चट्टान है दोस्तों, नाइस। ये भी मस्जिद है दोस्तों, गहरी गहरी दोस्तों। सब फार्म हाउस से यहाँ पे घर बहुत कमी मिलेगा, बाकी सब यहाँ पे फार्म हाउस है, पब्लिक जो है खूब इंजॉय करती है। हम फार्म हाउस हम घर वापस चल रहे हैं क्योंकि मेरी पहले वाली मैडम आ चुकी है, एक साल में 2 गाड़ियां थी, एक मैं अपनी लेकर आया था, कफिल भी आया था, तो मेरी गाड़ी में दोस्तों सामान था और 2 नौकरानी थी, वहां से पूरी गाड़ी फुल हो गई थी। तो मैं चल रहा हूँ अभी रूम पे रिटर्न, दूसरी वाली मैडम अभी यही घर ही पे है, तो मैं चल रहा हूँ उसको रिसीव करने, उसको भी ला कर यहाँ पे छोड़ देंगे, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा, वरना अभी भी सुकून नहीं मिलने वाला है। अभी तो 3:30 बजे है दोस्तों, जब यहाँ पे 5 बजे का 6 बजे का थोड़ा ठंडा माहौल होगा, तो बाकी जो मैडम जिसको मैडम मेरी इनवाइट किया होगा शाम को 6 या 7 बजे से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल मेरे फिर दोस्त लोग भी आएंगे, तो इंशाल्लाह आज आप लोग को दिखाएंगे। आई एम सो हैप्पी दोस्तों, क्योंकि मैं रूम पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, मेरी जब ड्यूटी कहीं बाहर लगती तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। दूसरे भी मैडम को ला कर इस तरह मैं छोड़ दिया हूँ, या इस तरह का ये दोस्तों इस तरह का गेट है। अभी दोस्त यार मेरे भी नहीं आए हुए हैं यहाँ पे भाई, सही तो ले लो। देखो भागो, देखो धूम मचा ले, और अरे बोल, हाँ कफिल भाई बोल बोल, धूम मचा ले, बोल मचा रहे, कहाँ जा रहे, धूम मचा ले, धूम मचा ले, इसका नाम क्या, नूरा है, मुसा, 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 मैं इसका नाम बुल्ले। हाँ जी दोस्तों, चाचा मेरे आ चुके हैं। सलाम अलैकुम। और चाचा क्या हाल है? सब ठीक है, अल्लाह करम भाई, मजे में अल्हम्दुलिल्लाह। तो भैया आज हमारे इस तरह में जो फार्म हाउस है वहाँ पे ज्यादा ड्राइवर नहीं आए, बस हम ही और चाचा हैं, बाकी सब जो आते हैं वो अपनी मैडम को
छोड़कर चले जाते हैं, बाकी यहाँ पे रुकेंगे आज इंशाल्लाह हम और चाचा बस, बाकी और कोई नहीं रुकेगा। तो अली दोस्तों हम आ चुके हैं होटल पे खाना खाने के लिए। वहाँ हमें खाना वहाँ की लेडीज की पार्टी है तो लेडीज में खाना मिला था, लेकिन मुझे मेरे समझ से दोस्तों वो खाना बाहर था। तो मैं आ चुका हूँ होटल पे और ये काफ़ी अच्छा होटल है दोस्तों, ये पाकिस्तानी होटल है। यहाँ पे हम बैठ के खाएंगे खाना, चाचा भी मेरे साथ में है तो फोन पे, तो हम आराम से यहाँ पे मजलिस में बैठ चुके हैं आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा होटल है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में। अपना सफरा ये लग चुका है और बैठ कर हम खाते हैं यहाँ पे खाना। आ चुका है खाना और हम लोग आराम से बैठ कर खाएंगे खाना, पानी पेप्सी बाकी है पियाने में। तो ये होटल है माशाल्लाह, चटनी सलाद जलजीर। तो फाइनली दोस्तों मैडम को अपनी लाकर हम छोड़ दिया, चल रहा हूँ फिर इस तरह और दूसरे वाली मैडम को लेने। अभी का टाइम दोस्तों बज रहा है 2:30 यानी 2:30 बज रहा। तो ये मेरा घर है, तो एक बार में मैडम नहीं आ पाई, सामान भी था और पूरी फैमिली भी थी, तो इसकी वजह से नहीं आ पाई है। नींद भी दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज लग रही है, तो चलिए आज ड्यूटी मेरी ज़्यादा लग गई थी दोस्तों। आज तकरीबन मैं 350 किलोमीटर गाड़ी तीन साढ़े तीन सौ किलोमीटर गाड़ी दोस्तों चल चुकी है, और अभी मान लो कि अभी 50 किलोमीटर भी गाड़ी और चलेगी। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। नींद भी बहुत तेज रही है, टिश्यू पेपर के सहारे से गाड़ी आज चल रही है दोस्तों। एक बजे दिन से दोस्तों मैं दौड़ रहा हूँ, इनको लाओ उनको छोड़ो, ये करो वो करो, यहाँ जाओ सामान लेकर आओ खाना, फिर जाओ होटल पर जाओ दोस्तों खाना लेकर आओ, तो उनके पानी लेकर आओ, बकाले से जूस लेकर आओ। दुनिया भर का यानी ड्रामा मैं 1 बजे से कर रहा हूँ, अभी 2:30 बज रहा है तो अभी भी मैं खाली नहीं हुआ। फिर चल रहा हूँ मैं दोस्तों रिटर्न फार्म हाउस, वहाँ पे एक मैडम और है और उसकी लड़की है, नौकरानी है, बाकी सारा सामान है। तो अभी एक बार में फिर चले आएंगे। तो चलिए बने रहिए दोस्तों वीडियो में, मिलते हैं दोस्तों आप लोग को फार्म हाउस। और अभी का टाइम 2:30 बज रहा है, देखता हूँ मैं कितने बजे वहाँ पे पहुँचता हूँ। बता दें दोस्तों कि रोड पे भी बहुत ट्रैफिक लगी हुई है, इसकी वजह से थोड़ा लेट लपाटा हो जाता है। दोस्तों हम आ चुके हैं महादिया में, मेरा इस तरह जो बुक था वो महादिया में ही था, 35 नंबर एग्जिट नंबर 35 पे। तो हम आ चुके हैं, तो कुछ ही देर में दोस्तों जहाँ फार्म हाउस है वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि जब यहाँ पे मैडम लोग जो यहाँ की महिलाएं जो होती हैं जब फार्म हाउस बुक करती हैं तो यहाँ पे यानी कि सुबह हो जाती है, ड्राइवर बाहर गेट रखाते हैं और अंदर लेडीज जो हैं महिलाएं जो हैं वो एंजॉय करती हैं, बाकी जो ड्राइवर आते हैं तो वो भी बाहर रुकते हैं, वरना फिर जो कफील आते हैं अपनी अपनी मैडम को अपनी अपनी लड़की को छोड़कर और चला जाते हैं। फिर 12-1 बजे जब उन लोग का प्रोग्राम जब सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाता है, नाच गाना जो भी है जब ख़त्म हो जाता है तो वो फ़ोन करती हैं, तो आकर फिर रिसीव कर लेते हैं। आज सुबह से 4 चक्कर लगाया हूँ और तकरीबन गाड़ी मेरी आज चली है दोस्तों 400 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी 50 किलोमीटर अभी और चलेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोग को पहुँच कर। नींद तो बहुत ज़्यादा तेज लग रही है, लेकिन क्या करें दोस्तों, ड्यूटी होती है, ड्यूटी भी निभाना है, मैडम को भी देखना है दोस्तों। देख सकते हैं सामने यहाँ पर ना रोड पर लाइट लगी हुई है ना कुछ लगा हुआ है, पहाड़ के सिवा यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, बाकी यही गाड़ी की लाइट जो है यही दिख रही है, बाकी देख रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं इस तरह दोबारा आ चुका हूं, और देख सकते हैं मैडम लोग कैसे लेडीज लोग सब जा रही हैं। तो चाचा की अपनी गाड़ी खड़ी है, हाँ अच्छा सब लेडीज लोग चले गए। तो ये है मेरा इस तरह का गेट, तो अपने अब लगाते हैं मैडम को फोन
और बताते हैं भैया कि मैं इस तरह आ चुका हूँ। चलिए भैया निकलिए। और अभी का टाइम दोस्तों आप दे सकते हैं कितना बजा है, कहाँ गया अभी का टाइम, अभी का टाइम 3 बज रहा है। तो चलिए चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैडम को बैठा कर सामान सारा रख कर फिर डायरेक्ट हम निकल जाएंगे दोस्तों घर की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अल्लाह हाफिज़।